good morning everyone good morning to all of you and uh, welcome to you on our online classes mm -hmm. students as you know now we started our new class syllabus like uh, you promoted your class then we are discussing about addition and subtraction in last class for your class fifth and exercise, exercise 2.1 has completed now we have to start exercise 2.2 देखो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बताया था आपको कि लास्ट क्लास के अंदर हमने थोड़ा सा एडिशन और सब्जेक्शन के बारे में डिस्कस किया था एडिशन के बारे में डिस्कस किया था सब्जेक्शन तो हम इसके बाद में पढ़ेंगे अब तो ये जो अपने सिलेबस हो गया है तो ये आपके न्यू क्लास के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं अब ये फेयर वर्क है आपको अच्छे से अपनी नोटबुक्स के अंदर करना है ठीक है इसको रफ़ के अंदर या फिर ऐसे ही नहीं करना है थीके? अच्छे से ये आपका फेयरवर्क काउंट होगा ठीक है तो जो अभी तक जो हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं तो ये फेर वर्क ही है आपकी न्यू क्लास का ही है तो इसको आप ऐसे नहीं इसको अपने हिसाब से कुछ भी कहीं पे भी लिख दो इसको फेर नोटबुक के अंदर करना अच्छे से तो देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ हमने लास्ट क्लास के अंदर एडिशन सब्जेक्ट्स एडिशन के बारे में पढ़ा था और थोड़े से हमने हिंदू अरबिक नंबर्स भी पढ़े थे आपको याद होना चाहिए जैसे देखो ये लिखे हुए हैं ना ये इन्हें हम क्या बोलते हैं हिंदू अरबिक नंबर्स क्या बोलते हैं हिंदू अरबिक नंबर्स और हम इसको देवनागरी स्क्रिप्ट भी बोलते हैं ये किसपे लिखे हुए हैं कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं तो उसको बोलते हैं देवनागरी ठीक है इतना कोई पूछेगा नहीं आपको आगे तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको देखो ये जो लिखा ना ये नाइन लिखा हुआ है ये सिक्स लिखा हुआ है ये एट लिखा हुआ है ये टू लिखा हुआ है ये सेवन लिखा हुआ है।, है ये थ्री लिखा हुआ है और ये आपके फ़ोर लिखा हुआ है ये मैंने आपको अप्रोक्स टेन टाइम बता दिया मेरे हिसाब से दस बार तो मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है लेकिन वही है जब तक आप खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करोगे मैंने आपको इसका होमवर्क भी दिया था अपने नोटबुक को पीछे के पेज पलट कर देखना उसके अंदर ये नंबर मैंने सारे लिखवाए थे किसको क्या कहते हैं ठीक है तो एक बार थोड़ा सा आपको भी करना पड़ेगा मेरे साथ में और ये मैंने बताया था जब भी हम क्लास स्टार्ट करें तो उससे पहले जो लास्ट क्लास का जो भी आपने पढ़ा है ना आप एक बार उसको देखें कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा है ताकि आगे जो पढ़ा है ना वो आपको पता था हम क्या पढ़ रहे हैं नहीं तो फिर क्या सीधे ऐसे होगा तो पता नहीं चलेगा ठीक है थोड़ा सा क्या समझ में कम आएगा आपके तो मैथ्स का तो, तो पता ही आपको मैथ्स के अंदर तो ऐसे होता है पीछे वाले चैप्टर से रिले रिलेट होकर अगला वाला चैप्टर बनता है है ना तो हम तो एक्सरसाइज में तो फिर हमें इसको भी थोड़ा सा फोकस करना है तो पीछे की क्लास में एक बार देख ले करो ज़्यादा नहीं फोर फाइव मिनट से ऐसे देख लो कि हाँ हमने क्या किया था लास्ट क्लास के अंदर ठीक है तो अब देखो हम अपना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज के अंदर हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था मिस्टर अजय बोट हाउस एंड कार ये कार लेके आया था और एक हाउस इसने बोट किया था तो दोनों को अंदर टोटल मिला के उसने कितने रुपए खर्च किए थे ये हमने फाइंड किया था इसके अंदर हमने एडिशन किया था दोनों को प्लस किया था ठीक है तो ये अपना हो गया था कम्प्लीट आज हमें इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड करना है अब देखो तो एक चीज़ और है जो सेम क्वेश्चन होंगे ना उनको हम नहीं करेंगे ठीक है उनमें फालतू में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है एक बार अगर आपको कंसेप्ट मेथड अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो ठीक है मैं अभी आपको करवाऊंगा जैसे देखना आप हमने इसका फर्स्ट कर लिया अब सेकंड नंबर देखो ए कंपनी मैन्युफैक्चर्ड सॉप सॉप केक्स एंड बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर्ड देखो मैन्युफैक्चर का मतलब होता है जैसे कोई भी कंपनी होती है ना वो कंपनी क्या बनाती है जैसे इसमें लिखा हुआ है सॉप केक साबुन जो होता है ना साबुन का साबुन की कंपनी की बात कर रहा है वो एक साबुन की कंपनी है वो सोप्स और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोटल है ना वो बोटल्स भी बनाती है तो बोटल्स और जो सोप कैक्स है ये वो बना रहे हैं तो उसने बताया कि इतने तो उसने बोटल बनाए हैं और इतने उसने सोप कैक्स बनाए हैं ठीक है सोप केक का मतलब तो जो साबुन आता है ना साबुन का जो छोटा सबकी साधन है बना हुआ उससे सॉफ्ट कैक कहता है ठीक है तो इसमें देखिए आप इसके अंदर आपको देखना है कि वो पूछ रहा है आपसे व्हाट इज़ द टोटल सॉरी व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर्ड उसने टोटल कितने आइटम बना दिए तो देखो ये आइटम भी अलग है और ये आइटम भी अलग है टोटल पूछा तो दोनों को क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा इस एक्सरसाइज के जितने भी केसेस चलाना सब के अंदर आपको प्लस ही करना है सब के अंदर आपको क्या करना है प्लस करना है ठीक है तो इसमें देखो आप करेंगे कैसे मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ देखो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना ये कैसे लिखा हुआ है ठीक है मैं आपको हमारे हाँ, लिए ईजी करने के लिए मैं इसको अपने जो नंबर्स है इसके अंदर लिख रहा हूँ मैं ठीक है तो देखो इसके अंदर कैसे लिखेंगे हम जो जन, न, नंबर हम जनरल यूज़ में लेते हैं तो देखो ये जो से लिखा हुआ है थोड़ा सा मैं ना इसको ऊपर कर दूँ ताकि आपके फिर नीचे स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा ना तो फिर ईज़िली समय आएगा यस yes. देखो पहले इसको हैं ना क्या लिखा हुआ है टू एट थ्री फोर सेवन सिक्स एंड नाइन राइट अब ये इसके नीचे मैंने क्या कहा इधर से लिखना है वैसे ना नहीं तो गलत होता है फिर वो सेवन फोर वन सिक्स सेवन सॉरी ये एट है ना ये तो एट होता है एट आ गया यहाँ पे ना ये एट है ये आ गया था अपने, सिक्स के बाद में एट आ गया था फिर आ गया था टू फिर आ गया था फाइव फिर आ गया था थ्री ये हमारे आ गए थे इसके अंदर सारे नंबर ठीक है ये नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है और ये जो नंबर है ये मैंने यहाँ पर लिखा है ठीक है एक बार देख लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है जैसे ट्वेंटी एट थर्टी फोर एंड सेवन तो ये यह यहाँ पे भी ना यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ हमसे ना ये है ना ये इसके नंबर जो तो थर्ड है ना इसके सिक्स नाइन ये एट आएगा इसके अंदर ये यहाँ पे मिस्टेक हुआ मुझे लगा ही था कहीं पर तो इसको भी एट करना सीरिंग से इसको भी देख लेता वापस सेवन फोर वन सेवन फोर वन सिक्स एट सिक्स एट टू फाइव एंड थ्री हाँ अब हो गया करेक्ट अपना अब है ना हमें करना है इन दोनों को प्लस करना है प्लस क्यों करना है, क्यों करना है? क्योंकि वो पूछ रहा है उस कंपनी ने टोटल कितना मैन्युफैक्चरिंग किया है टोटल उसने कितने आइटम बना दिए दोनों को मिला के कितने बना दिए है ना तो दोनों अगर मिला के पूछा है टोटल पूछा है टोटल पूछता है तो हमेशा एडिशन होगा टोटल कभी भी पूछे ना हमसे तो हमेशा क्या होगा एडिशन होगा तो इसको प्लस कर दो, सिक्सटीन वन इलेवन वन एट वन नाइन टेन एडिशन तो सबको आता है ना इसलिए मैं थोड़ा तो सा इसको फास्ट कर रहा हूँ एट टू नाइन टेन एलेवन वन सेवन एट थ्री थ्री आंसर क्या आ जाएगा इसका ये आ जाएगा इसके अंदर आपके ये कितने हो जाएंगे थ्री करोड़ एटी वन लेख ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्सटीन दोनों को क्या कर दिया हमने प्लस कर दिया और ये क्या हो गया इसका आंसर पास में लैंग्वेज भी हम लिखते हैं पता होना चाहिए आपको ना इसके पास भी कुछ लिखते हैं इसके पास भी कुछ लिखते हैं तो जो इसको लिखना कैसे है वो तो मैं आपको लिख के सेंड कर दूँगा ठीक है आपके जो व्हाट्सअप है ना उसके अंदर मैं क्वेश्चन भी सेंड कर रहा हूँ आपको और आंसर्स भी सेंड कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा एक दो दिन आपके लिए आंसर सेंड आंसर सेंड इसलिए कर रहा हूँ ताकि क्या तो काफ़ी बच्चे नए है ना तो उनका थोड़ा सा वो पीछे वाली क्लास से प्रमोट होकर आए हैं तो उनको पता नहीं होगा कि वह कैसे क्या करना है ये वाले सर पता ही नहीं कैसे पढ़ा रहे होंगे तो वो थोड़ा सा है ना मैं आपको अभी होमवर्क भी लिख के दे रहा हूँ आपको ओनली उसको समझना है और ओनली एज इट इज़ कॉपी के अंदर लिखना है जैसे नर्सिटी क्लास के बच्चे एल क्लास के बच्चे लिखते हैं ना अपने वैसा काम करवा रहे हैं अभी थोड़े दिन बाद में जब आप लोग अच्छा सा वो करने लग जाओगे फिर आपको मैं होमवर्क वगैरह नहीं करवाऊंगा सर आपको वो सेल्फी करना पड़ेगा तो अभी स्टार्ट में करवा रहे हैं तो ये मत सुनना कि हाँ हा, हा, सर हमेशा ऐसा, ऐसा ही करेंगे मैं हमेशा ऐसा, ऐसा नहीं करूँगा आप बी क्लास के बच्चे हो आपको सेल्फ करना चाहिए ओके तो देखते हैं आ जाएगा वैसे आपको ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर तो देखो ये अपना हो गया कम्प्लीट अब देखो नंबर जो थर्ड है ना इस नंबर थर्ड को आपको करना ही नहीं है क्यों नहीं करना देखो नंबर थर्ड भी कर लेंगे नंबर फोर्थ भी आ गया ये नंबर फोर्थ भी थर्ड वाले के जैसा है फर्स्ट क्वेश्चन क्या था वो भी इसके जैसा है तो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ना तो उसको करना जरूरी नहीं है ठीक है तो नंबर थर्ड मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ ठीक है नंबर फोर्थ करना है मैं, मैं हम नंबर फोर्थ के पास चलते हैं ठीक है तो देखो इसके अंदर नंबर थर्ड नहीं करना है आपको ठीक है नंबर फोर्थ देखो इसके अंदर नंबर फोर्थ में क्या लिखा हुआ है करना इसमें भी एडिशन ही है इसमें भी एडिशन करना है इसलिए कुछ नया नहीं है उसके अंदर अगर वो कुछ नया होता तो मैं आपको वो क्वेश्चन छोड़ने के लिए नहीं बोलता उसमें भी एडिशन नहीं करना है नंबर फोर देखो नंबर फोर्थ को मैं थोड़ा सा पहले ऊपर कर दूँ तो क्या आपके Yes. देखो क्या लिखा है इन द सर्वे ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इट इज़ फाउंड डेट मेल्स एंड फीमेल्स आर एलिजिबल टू वोट इन एन इलेक्शन वाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स देखो क्या हुआ इन द सर्वे ऑफ ए स्टेट ऑफ ए इंडिया इंडिया का कोई एक स्टेट है कोई भी एक राज्य है राज्य बोलते हैं हिंदी के अंदर उसको किसी स्टेट के अंदर सर्वे किया कि वहाँ पर इलेक्शन होगा क्या होगा इलेक्शन इलेक्शन होता है ना चुनाव होता है ना जिसके अंदर ये एम वगैरह एम वगैरह है ना इस टाइप का कोई को चुनाव की बात हो रही है तो वो देख रहे हैं कि चुनाव के अंदर जो इलेक्शन होगा ना उसके अंदर जो वोट देंगे जो वोट देते हैं ना उसे कहते उन्हें कहते हैं वोटर्स क्या कहते हैं वोटर्स जो वोट देते हैं ना उन्हें कहते हैं वोटर्स ठीक है तो वोट देने वाले टोटल है कितना है अब उन्होंने अलग अलग काउंट किया कि मेल कितना है और फीमेल कितने हैं मेल क्या होता है मेल का मतलब होता है पुरुष क्या होता है पुरुष कितने पुरुष हैं और फीमेल का मतलब क्या होता है फीमेल का मतलब होता है महिला क्या होता है महिला कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं उन्होंने दोनों को है ना दोनों को फाइंड कर लिया सर्वे कर लिया सर्वे का मतलब वो काउंट करते हैं पूरा देखते हैं कौन से कौन से विलेज में कितना है सब का काउंटिंग करते हैं ठीक है सर्वे में यही किया जाता है तो देखो ये मेल है और ये फीमेल है इतने तो फीमेल है इतने मेल है इतनी महिलाएं और इतने पुरुष हैं अब उसने क्या किया ये इसने देखा कि ये है वोट देने वाला आपको पता होना चाहिए वोट ऐसे कोई नहीं ऐसा नहीं कि हाँ कोई भी आएगा तो वोट दे देगा इसका अपने क्राइटेरिया है अलग से एटीन ईयर्स जिसकी एज एटीन ईयर्स से ज़्यादा हो जाए या ये एटीन ईयर्स हो जाए तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है वो वही वो वोट दे सकता है ठीक है एटीन ईयर्स से कम है तो उनको अपने जो गवर्नमेंट है वो उनको राइट नहीं है कि वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें तो ये जैसे आप थोड़े से और एस एस टी वगैरह पढ़ोगे उस टाइम आपको पता चल जाएगा पूरा तो देखो इसके अंदर ये हो गए मेल ये हो गए फीमेल अब वो आपसे क्या पूछ रहा है ये दोनों मेल और फीमेल तो उसने फाइंड कर लिए अब वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स एलिजिबल का मतलब जो वोट दे सकते हैं जो वोट देने के काबिल है ठीक है ना एलिजिबल का मतलब होता है योग्य है काबिल है तो देखो कितने ऐसे टोटल वोटर्स हैं जो वोट दे सकते हैं देखो फीमेल भी वोट दे सकती है और मेल भी दे सकते हैं और टोटल पूछा है तो टोटल पूछा तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर भी इसके अंदर भी करना है एडिशन ठीक है तो देखो तो 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 इसका एडिशन मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ ठीक है ये नंबर इसमें ऐड करना है एडिशन मेरे हिसाब से सारे बच्चों को आता है और आंसर मैं आपको लिख के दूंगा वैसे भी ठीक है और मैं तो चाहता हूँ कि पहले आप एक ना एक बार इसको खुद करने की ट्राई करो पहले ठीक है आप इसको खुद करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे कहाँ मिस्टेक आ रही है मुझे तो आंसर बताना ही है वैसे भी ठीक है तो, तो, तो ये एडिशन मैं आपको लिखे दे दूँगा अपने होमवर्क के अंदर ठीक है नंबर लिखे हुए हैं डायरेक्ट तो एडिशन करना में मेरे हिसाब से किसी को ऐसी दिक्कत होगी भी नहीं ठीक है एक बार खुद पहले प्रैक्टिस करना उसके बाद में उसके बाद में मेरे वाले आंसर से मैच करना है ठीक है ऐसे नहीं कि हाँ पहले सर के देख के कर लिया तो बेटा इससे आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगा ठीक है और मैं चाहता हूँ कि आप आप कुछ नया सीखो उसके अंदर ठीक है तो देखो ये मैंने कहा ये नंबर थर्ड तो हमें बिल्कुल नहीं करना है नंबर फोर्थ आपको पहले थोड़ा सा थोड़ा सा खुद को प्रैक्टिस करना है उसके बाद में मेरे देखे कर लेना अगर आपसे नहीं होता है तो ठीक है मैं इसका आंसर लिख के आपको सेंड कर दूंगा ठीक है नंबर फिफ्थ देखो इसका नंबर फिफ्थ हमने तो क्या लिखा हुआ है मिस्टर खन्ना हैड रुपीज़ इन हीज इन हीज़ अकाउंट मिस्टर खन्ना के नाम के ये मिस्टर खन्ना है किसी आदमी का नाम है ये तो उनके अकाउंट में इतने पैसे थे क्या थे इतने पैसे उनके अकाउंट में थे ही डिपोजिटेड रुपीज़ मोर उन्होंने क्या कि थोड़े से पैसे उन्होंने और ना डिपोजिट डिपोजिट का मतलब होता है जमा करवाना क्या होता है जमा करना उन्होंने थोड़े से पैसे ना अपने अकाउंट के अंदर और जमा करवा दिए अब देखो पैसे पहले पड़े थे थोड़े से पैसे और जो उन्होंने डिपॉजिट करवा दिए जमा करवा दिए तो पैसे क्या हो गए और ज़्यादा हो गए है ना तो वही इस क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच मनी डज़ ही हैव इन हीज़ अकाउंट नाउ आपको ये बताना है कि अब है ना उनके अकाउंट के अंदर कितने पैसे हो गए तो देखो पहले तो ये थे ये उन्होंने और डिपॉजिट करवा दिए तो दोनों को प्लस करने से क्या आ जाएगा दोनों को प्लस करने से ये पता चल जाएगा कि उनके अकाउंट में अब कितने पैसे हैं तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा एडिशन ठीक है तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हमने किए है ना उन सब में क्या करना है एडिशन ये वाला एडिशन मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि इसमें नंबर कौन सा आ गए ये आ गया ना हिंदू अरेबिक नंबर आ गए तो ये थोड़ा सा क्या पता किसी बच्चे को दिक्कत आए तो ये मैं आपको करवा देता हूँ ठीक है तो देखो इसके अंदर थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ मैं इसको ना यस yes. देखो इसके अंदर पहले इसको लिखते है हैं हम फोर सेवन थ्री सिक्स वन फाइव एंड ज़ीरो राइट ये आ गया अभी आएगा इसके नीचे ज़ीरो हो गया सिक्स ये आ गया टू ये आ गया सेवन ये आ गया एट एट एंड लास्ट में क्या लिखा हुआ है टू ओके okay. तो ये इन दोनों को करना है हमें प्लस राइट right? देखो तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये वाला इधर लिख दिया अब दोनों को प्लस करो ज़ीरो 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 फाइव एंड वन एलेवन वन एडिशन में फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप फिफ्थ क्लास के अंदर बैठे हो तो आपको एडिशन तो ईज़िली आना चाहिए बेटा ठीक है ना उसके अंदर आपको थोड़ा सा सेल्प करना पड़ेगा ठीक है थर्टीन का थ्री वन फोर ट्वेल्व वन सिक्सटीन वन सिक्स एंड सेवन तो ये जो आ गया इन दोनों को प्लस करने से ये क्या आ गया ये आ गया टोटल वोटर्स देखो ये तो हो गए मेल लैंग्वेज वगैरह मैं आपको लिख के बता दूंगा अभी ठीक है अभी तक तो हमने क्लासेस के न्यू है ना तो उसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी मैं आपको लिख के बता दूंगा तो देखो ये मेल हो गया ये फीमेल दोनों को प्लस कर दिया ये क्या आ गया ये आ गया टोटल वोटर्स टोटल कितने ऐसे हैं नहीं सॉरी ये तो अपने वो था ना सॉरी 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 ये तो अपना वो था ना ये अकाउंट के अंदर पैसे जमा करवाया था ना वो था ना ये मेल फीमेल तो ऊपर ले गया था तो देखो इसके अंदर ये तो इसके अकाउंट में पहले पैसे थे है ना ये तो अकाउंट में पैसे थे और ये इसने क्या किए ये इसने डिपोज़िट करवाए थे डिपॉजिट का मतलब क्या होता है पैसे जमा करवाने तो देखो ये पैसे पहले थे ये और डिपॉजिट करवा दिए दोनों को प्लस कर दिया क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा ये सारा जो लिखा ना कैसे आपने इतना गंदा लिखा है हमें तो पता नहीं चल रहा है आपको बेटा भी उन्हें समझना है ठीक है लिखना कैसे है वो मैं आपको होमवर्क के अंदर लिख के सेंड कर दूंगा ठीक है तो देखो ये आज हमने क्या क्या कि पढ़ा मैं एक बार आपको वापस बता दूँ इसके अंदर हमने इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर लिया ठीक है इसमें भी एडिशन ही करना था फोर्थ वाले में वो था कितने वोटर्स क्या है मेल और फीमेल दोनों को मिला के इसमें क्या था पैसे थे अकाउंट के अंदर थोड़े से पैसे और डिपॉजिट करवा दिए और जमा करवा दिए तो ये भी क्या हो जाएगा इसमें भी एडिशन हो जाएगा नंबर थर्ड मैंने कहा था आपको करना ही नहीं है सेम क्वेश्चन है इसमें भी एडिशन करना है ठीक है और नंबर सेकंड मैन्युफैक्चरिंग है मैन्युफैक्चरिंग मतलब कितने उन्होंने बनाए हैं ठीक है एक कोई कंपनी होती है ना जैसे कोई मोटरसाइकिल की कंपनी है तो वो क्या करती है मोटरसाइकिल बनाएगी है ना हर चीज़ की जो कंपनी होती है ना वो क्या उनका प्रोडक्शन क्या है वो क्या बना रही है तो मैं जो बनाते हैं ना उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या बोलते हैं मैनुफैक्चर तो ये मैनूफैक्चर किया है इसने सॉप केक्स किए हैं और इधर से किया बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक के जो आता है ना बोटल वो भी वहाँ पर बनाते हैं तो पूछे कि टोटल कितने बना दिए टोटल पूछा तो इसमें भी क्या कर दिया था हमने एडिशन ठीक है तो कोई मिला के एडिसन ही पढ़ा है हमने आज भी तो होमवर्क वगैरह मैं आपको बता दूंगा ओके तो आज के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है फिर क्वेश्चन आपके ज़्यादा हो जाते हैं थोड़े से फिर बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ क्वेश्चन कैसे लिखना मैंने पहले ही बताया था और बता दूँ इतना कुछ समझाने के बाद में भी आप लोग सही रंग से नहीं कर पा रहे हो जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन अगर मुझे लिखना है तो मैं पहले सेकेंड नंबर लिखूँगा इसका पहला वर्ड लिखूंगा जैसे ए लिखा तो मैं ए लिखूँ ए लिख दूंगा ए लिख दिया फिर मुझे ऐसे इस पूरी लाइन को छोड़ना है सबसे लाइन जहाँ पर एंड होती है ना वहाँ पर लिखो इसका जो लास्ट है ना वर्ड ये लिख दो मैन्युफैक्चरिंग बीच में कुछ मत लिखो क्वेश्चन पूरा पूरा लिखना जरूरी नहीं है आप तो एक्सरसाइज सही ढंग से लगाओ क्वेश्चन नंबर सही ढंग से लगाओ क्वेश्चन नंबर के सामने इसका फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड ये इतना सा लिख दो बीच में डोटेट कर दो ऐसे क्वेश्चन पूरा लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन तो इसमें लिखा हुआ है ठीक है तो ऐसे कर लेना आप इसके अंदर ठीक है आंसर मैं आपको लिख दे दूंगा क्वेश्चन के लिए ये सेम टू सेम है ना जो पिक आपके सामने दिख रही है ये मैं आपको सेंड कर दूंगा ओके तो आज के लिए बहुत है मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर उससे पहले मैं आपको बता दूँ हमारा जो स्कूल का चैनल बना हुआ है यूट्यूब के ऊपर आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें इससे एक तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा क्लासेज के अंदर और देखो तो थोड़े दिन बाद में क्या होगा आपके जो हमने जितने भी हमारे होते हैं ना स्कूल में फंक्शन वगैरह चाहे वो टीचर्स डे का हो चाहे रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे जो भी है ना जितने भी हमने प्रोग्राम किए हैं स्कूल के तो वो सारे वीडियोज़ है ना हम यूट्यूब पर डाल देंगे कार डाल देंगे यूट्यूब के ऊपर तो यूट्यूब के ऊपर जितने भी आप आपकी क्लास में से या आपने किसी ने भी अगर किसी भी किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है है ना तो वो सारे सॉन्ग वगैरह सारे डांस वगैरह है ना जो भी आपने ड्रामा वगैरह कुछ भी किया है अपने स्कूल का तो वो सारा का सारा आपको कहाँ मिलेगा यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा तो सब्सक्राइब कर लो इसको जल्दी से ठीक है ताकि आपको नए डांस वगैरह आपके ड्राम वगैरह आपको देखने को वापस मिल जाए ओके तो और वीडियो को लाइक करना है ठीक है किसी और को पढ़ा रहे हो किसी और को सेंड कर रहे हो तो उसको शेयर भी कर सकते हो ओके तो आज के लिए काफ़ी है मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर ओके तब तक के लिए गुड बाय Take care, stay home, keep learning. Bye bye.